आप कितना हीट दे रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम, पर ग्राम उसे आपको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, यानी चेंज इन टेम्परेचर। आज के इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये चैप्टर बड़ा ही हार्ड है, मेरे हिसाब से जैसे लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे पूरा चैप्टर बेस्ड, मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट समझ लिया यानी न्यूमेरिकल्स हवा में हो जाते हैं। हर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मतलब हर एक तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकता ना, वैसे तो आना न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में रिपीटेटिवली आ रहे हैं उनको मैंने क्वेश्चन उतारा है और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसीलिए जब मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलोरीमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, एक बात याद रखना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास 4 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 2 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं? तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट यानी कैलोरीमेट्री। अब देखिए इसमें आपका एक क्या कहें टर्म आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम छोटे सी से डिनोट करते हैं, याद रखना। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ क्योंकि गलती से अगर आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स हो गए तो लिखना तो पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो एक बार लिखिए, मैं नोट करवाता हूँ। वैसे आपके फिजिक्स के टीचर की तरह मैं एकदम नहीं समझाऊंगा, कुछ नया तरीका होगा, फिर भी लिखिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं समझे, समझाता हूँ। आपके पास मान लीजिए 1 ग्राम पानी है, क्या है 1 ग्राम पानी है, ठीक है भाई साहब, मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ये इसका मतलब नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, नहीं नहीं नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना भी इसका टेम्परेचर हो, मुझे 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। जो मैं हीट इसको दूंगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने को, उस हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गई बात, इसको डिनोट करते हैं छोटे सी से। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करेगा, वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करेगा। यानी पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डरिए मत, डरिए मत, इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, भरोसा रखो यार बस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम पानी का अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट देना होगा। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लियर होगा। मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम कॉपर है, 1 ग्राम कॉपर है, आपको इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जो हीट मैं कॉपर को दूंगा, जो हीट मैं कॉपर को दूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस कॉपर दैट इज ऑफ 1 ग्राम टू 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 डिग्री सेल्सियस दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो बात? दिमाग दौड़ाओगे ना, दिमाग दौड़ाओगे तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि पानी के 1 ग्राम, 1 ग्राम समझ लो, पानी 1 ग्राम कितना छोटा होगा, उसका अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें 4.2 जूल एनर्जी देना होगा, वर्क करना होगा, हीट देना होगा। लेकिन वहीं कॉपर के 1 ग्राम को हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हमें हीट देना होगा। यानी कि कॉपर जो है इसको कम हीट देना पड़ रहा है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। इससे क्या समझ में आया कि कॉपर गेट्स हॉट एंड कोल्ड रैपिडली। अब भैया कोई चीज़ सड़ाक दे गर्म हो रही है यानी सड़ाक दे कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वही पानी की बात करें। अब भैया आपके पास तो मान लीजिए आप शहर वहर में रह रहे हैं तो आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा टाइप का आपके पास जार होगा, इसे डालोगे मशीन में, सड़क दे ऑन करोगे, गर्म हो जाएगा चीज़। लेकिन जब बॉइलिंग आप करते हैं पानी का तो आप देखें कम से कम 5 मिनट लगता है भाई, मतलब जब पानी बॉइलिंग, मतलब क्या उबलना, पानी को बॉइल करने में इतना समय लगता है। यानी जो वाटर है गेट्स हॉट एंड कोल्ड धीरे धीरे। अब देख लीजिए धीरे धीरे को क्या कहेंगे, स्लोली, है कि नहीं? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दिमाग दौड़ाओ, फिजिक्स में दिमाग ही दौड़ाना है। इससे हमें समझ में ये आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी एक मटेरियल की जितनी ज़्यादा हो उसको उतना टाइम लगेगा हीट या कोल्ड होने में, हॉट या कोल्ड होने में, और जितना कम हो उसको उतना कम टाइम लगेगा हॉट या कोल्ड होने में। समझ में आ गई बात? और ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे। मटेरियल पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई,
ठीक है हाँ बहन, इसका होता है 2.1 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे कि ये भी तो वाटर है, नहीं समझ में आएगा, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है भाई, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं, उससे क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि लुलुपुलु मैंने ला दिया आपको खुश करने के लिए, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। अगर आपसे बन रहे हैं वीडियो पॉज करना तो बहुत बढ़िया बात है, मैं एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो मैं भूल ही गया, इसका फॉर्मूला भी बता दूँ। फॉर्मूला तो आप खुद बना लोगे यार, डेफिनेशन पता होगी, समझ गए, फॉर्मूला बना दो, मैं फॉर्मूला बना सिखा दूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अच्छा एक कुछ जान लो, क्यू जो है ना, क्यू ये होता है अमाउंट ऑफ हीट, हीट का सिंबल है क्यू, जैसे कि टाइम का सिंबल होता है, सेकंड का सिंबल सी होता है ना, वैसे ही हीट का सिंबल होता है क्यू, क्लियर है। अब आपको कि चार्ज का भी सिंबल तो क्यू होता है यार, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, आप कितना हीट दे रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम उसे आपको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, यानी चेंज इन टेम्परेचर, कितना आप हीट दे रहे हो पर ग्राम, 1 ग्राम में कितना आप अमाउंट ऑफ हीट डाल रहे हो ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यानी चेंज इन टेम्परेचर। इसका डेल्टा मतलब समझते हो ना, क्लास 9-8 में पढ़ाया होगा आपको डेल्टा का मतलब, किसी ने गलती से नहीं पढ़ा हो, कोरोना वाला हो तो समझ आइए कि डेल्टा का मतलब, जैसे कि कोई ना जाने तो दो एक मिनट स्किप कर लो, आप 5 किलोमीटर आ गए हो, ठीक है, आप और 5 किलोमीटर चल दिए, यानी आप पहुँचे 10 किलोमीटर, आपने चल दिया, समझो 5 किलोमीटर आप चल रहे थे, आपने 10 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा जाए कि जब आप 5 किलोमीटर पे थे और जब आप 10 किलोमीटर पे पहुंचे तो कितना इंक्रीज़ किया आपने, कितना इंक्रीज़ हुआ डिस्टेंस, तो आप क्या करते हो, 10 में से 5 घटा देते हो, 5 किलोमीटर आपने इंक्रीज़ किया, 5 किलोमीटर और चले। यही चीज़ होती है टेम्परेचर में, फाइनल माइनस इनिशियल हम कर देते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझे में। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। वैसे एक और मैं बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो ये फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है। अगर मैं अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी किसी चीज़ का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट डालना पड़ेगा। कितनी बेसिक चीज़ है यार, 1 ग्राम पानी है, 1 बूंद पानी है, मैंने जैसे ही ऐसे वो ऑन किया, वो क्या कहलाते हैं, लाइटर, हाँ चूल्हा जैसे ही जलाया जुड़ गया भाई, जुड़ गया, गर्म हो गया। वहीं मान लीजिए एक पूरा मैं 10 बाल्टी डाल दूँ, इसको मैं हीट करूँ, कितना देर लगेगा, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट भी तो ज़्यादा लगेगी ना, उतना ज़्यादा मुझे अमाउंट ऑफ हीट डालना होगा, दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा मास करो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा, समझ गए। वैसे ही जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ हीट डालोगे उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जितना कम आप हीट डालोगे उतना कम टेम्परेचर होता जाएगा, और उसी लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब भैया अगर आपको हीट करना है कॉपर, मैंने बताया था कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और वहीं वाटर का कितना होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 4.2, यानी कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट डालोगे इसका मतलब हुआ कि उसका उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, समझ रहे हो। चलिए अब एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ हीट को कैसे डिनोट करते हैं भाई, क्यू से, क्यू फाइंड करना है। क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ के आए हैं, एम सी डेल्टा टी। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर, ठीक है, पानी को हमें हीट करना है, पानी का मास दे दिया है 2 ग्राम, बहुत सही। फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, टेम्परेचर जो होगा वो हरदम आपका पॉजिटिव होगा, याद रखियो भाई मेरे, इसके अगला एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें समझ में आएगा, टेम्परेचर हरदम पॉजिटिव होता है। जैसे कि फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 40 में से 10 घटा दो, यानी 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमें पता चल गया 30 डिग्री सेल्सियस, और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, लिख लेते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, ग्राम से ग्राम गया, ये हटा तो ये भी हट गया, उसके बाद कैलकुलेट कर लो यार, अब ये भी मैं करूँ क्या, जो आंसर आ जाएगा उतना जूल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन वाटर इज कूल्ड। हाँ भाई यहाँ से लिया जाए, हीट रिक्वायर्ड व्हेन वाटर इज कूल्ड, व्हेन वाटर इज
कूल्ड फ्रॉम, अच्छा वाटर का यहाँ पे वेट दे दिया है 2 ग्राम, ठीक है, फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटा सी, याद रखना, बड़ा सी भी कोई होगा तब तो, तभी तो छोटा सी छोटा रिस्क कर रहे हैं, कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, है फाइंड द अमाउंट ऑफ, क्या क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, सॉरी फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, हाँ सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है जो मुझे बाद में समझाना चाहिए लेकिन मैं अभी समझाऊंगा, मुझे चुल मची हुई समझाने की, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, आपके चैप्टर का नाम क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल ये कहता है, सिंपल सा प्रिंसिपल है यार, नाम दे दिया है बस इसे, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड या फिर कह लो एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। समझ में आई बात, अब इसे लिखने का मतलब क्या है, अरे भाई मेरे पास आइस है, इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, ये जितनी हीट रिलीज करेगा उतना वाटर हीट ले लेगा, समझ में आ गई बात, ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम चलेंगे, इस प्रिंसिपल के हिसाब से चलेंगे, याद रख लेना, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और एब्जॉर्ब्ड, कोई चीज़ हीट छोड़ेगा वहीं तो मैं लूंगा, ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये कौन से बड़े प्रिंसिपल पे आधारित है, ये बड़े से प्रिंसिपल पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हमने वर्क एनर्जी चैप्टर में देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है ना, कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉर लॉस्ट, इट इज जस्ट, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हीट जो है एक बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, कहीं भी लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए सिंपल से समझाने का मेरा यही फोकस था, यही मेरा टारगेट था, यही मेरा उद्देश्य था, ये समझा पाऊँ कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड भी हम हीट ही है ना, या आपने हीट कितना लिया या कितना रिलीज कर दिया, इसका भी वही फार्मूला होगा ना यार, इसका भी यही फार्मूला होगा, आपने हीट कितना दे दिया, ले लिया। व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, भाई साहब यानी फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है 10, उसमें से 70 डिग्री कम करना यानी 60 डिग्री, मैंने बताया था ये कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस घट गया है, दिस इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिलीज, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो घटा है, डिक्रीज, ठीक है, मास दिया हुआ है भाई साहब 2 ग्राम, और ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमने निकाल लिया यार, निकालना क्या है पता है, सी से सी गया, जी से जी गया, निकाल लो यार, जीरो से ये जीरो गया, खत्म कहानी, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे करेंगे तो क्लियर होगा, नहीं करोगे तो नहीं क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, लड़के सोचेंगे कि ये क्वेश्चन फंसाऊ है, बड़ा आसान है, देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट आइस, टू हीट आइस, इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस को, बर्फ को, 10 ग्राम बर्फ है उसे हम हीट कर रहे हैं, उसे हम हीट कर रहे हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि बर्फ पानी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम हीट कर रहे हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बदल जा रहा है, ठीक है। हीट का एकमात्र फॉर्मूला अभी के लिए हमने पढ़ा MC∆T, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, -20 से 0 हो गया, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, चेंज इन टेम्परेचर इज 20, माइनस माइनस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, 100 बार बोल दिया दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए मास कितना है 10 ग्राम, आपका ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4.2 जूल, अब देखिए ग्राम डिग्री तो कट गया ना, और ये 20, समझ गए, ये 0 से ये इसका अस्तित्व खत्म, बाकी 0 0 2 2 4 4 2 8 यस सही है ना, हाँ जी 2 4 8, ये आपका आंसर आ गया, यानी इतना जूल, हाँ यानी 10 ग्राम आइस को अगर आपको हीट करना है, इतने टेम्परेचर बदलना है, तो इतना ज़्यादा आपको हीट करना होगा। चलिए तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने किया, अगर आपको सिंपल, आपको बस फॉर्मूला बैठाना होगा तो,
देखिए वैसे तो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने देखा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया था, जिसने साल भर मेहनत करी होगी वहीं 35 से ऊपर ला पाया होगा, वरना सारे 20-30 के अंदर ही लटक जाएंगे। भगवान करें यार, गॉड करें कि आसान क्वेश्चन है, और क्या कह सकते हो, मेहनत करो अपना। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको जो मैंने प्रिंसिपल समझाया था, एक चीज़ मैं एक और समझा देता हूँ। जो प्रिंसिपल मैंने समझाया था कंजर्वेशन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ क्या चैप्टर का नाम है, क्यों बोल रहा हूँ यार, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो मैंने समझाया था, उस प्रिंसिपल को हम एक और नाम देते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। मेथड ऑफ मिक्सचर याद हो गया, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अ हीटर A heater gives heat at rate of 100 watt. अब क्वेश्चन आया वाट का। अच्छा आपने अगर सेमेस्टर वन में थोड़ा सा पढ़ा होगा वर्क एनर्जी वाला चैप्टर, तो वाट जो है इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, इससे आसान नहीं होगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जूल अपॉन सेकेंड। यानी 100 वाट बोले तो की, 100 वाट बोले तो क्या हुआ कि 100 जूल आपने काम किया 1 सेकंड के अंदर। अगर मैं कहूं कि 2 सेकंड के अंदर आप कितना काम करोगे, 100 × 2 जूल। मैं कहूं 5 सेकंड में आप कितना काम करोगे, 100 × 5 जूल। मैं कहूं आपको 30 सेकंड में आप कितना काम करोगे, 100 × 2t करोगे। वॉट अगर क्वेश्चन में आ जाए, डायरेक्ट ये वर्क का फॉर्मूला आपको बैठा देना है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी रिलेटेड होते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वैसे ही कितना हीट डाला आपने या फिर कितना वर्क किया, बात वही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, नहीं क्लियर हुआ रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। 3 बार रिवाइंड कर दो, घोल के पी लोगे, घोल देना है पीना आपका काम। चलिए, अ हीटर गिव्स एट रेट ऑफ 100 वाट। तो हमें ये पता चला, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय हीटर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाई वाटर। अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाई वाटर, जितना हीट हीटर ने दिया, निकाला अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से, उतना ही हीट पानी ने लिया। समझ में आ रही कॉन्सेप्ट, पढ़ा हमने कितना हीट निकाला, हमने अभी पढ़ा 100 T, इतना जूल गुणे इतना टाइम। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया कि इतना हमें एनर्जी का फॉर्मूला आ गया पावर से। कितना गेन हुआ भाई, कितना गेन हुआ, हमने पढ़ा है। निकालना क्या है, अ हीटर गिव्स अ रेट ऑफ, निकालना क्या है यार, फाइंड द टाइम टेकन। लो, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, फाइंड द टाइम टेकन। दिमाग से प्रश्न खत्म हुआ, क्यों हमने टी घुसेड़ा भाई, क्यों हमने टी यहाँ पे डाला जबरदस्ती, क्वेश्चन खत्म हुआ। हमें टी ही निकालना है, एम हमें पता है, सी हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, 20 से 30 जा रहा है, 20 से 30 जा रहा है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। ये 4.2 है, मास कितना है, 50 है, और ये भी हमें पता है, ये 100 है, तो टाइम को इधर ला दो, कैलकुलेट करो, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट तो मैं नहीं करूँगा, सिर्फ एक कैलकुलेशन के बाद, ये जीरो कटा, ये जीरो से ये 100 आया, ये कटा 5 × 2 = 2 × 2 = 21 सेकेंड्स। 21 सेकेंड आपका आंसर आएगा कि 21 सेकेंड में, समझो 21 सेकेंड में अगर हीटर 100 वाट के पावर से अगर हीटर हीट दे रहा है, तो 50 ग्राम पानी को इतने डिग्री सेल्सियस से बदलेगा। अगर गांव में आप जा रहे हैं, किसी ने आपको घुमाने के लिए प्रश्न पूछ दिया, डायरेक्ट जवाब दो यार, समझा दो ये उसे, ठीक है, क्लियर हो। वैसे इसको एक और समझने का तरीका है, जिसे नहीं समझ में आया, इसको समझाने का तरीका ये है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क ही निकालना है। हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी किससे रिलेटेड है, वर्क से। निकालना क्या है, वर्क निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि हमें टेम्परेचर निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट ही निकालना है ना। तो वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट हम 100 × T लिख सकते हैं। उतना नहीं समझने का मन तो ऐसे निकाल लो, अगर वाट आ जाए तो वर्क बराबर कितना पावर में कितना काम कर रही है, कितना पावर है और कितना काम है, सॉरी कितना पावर है और कितना समय लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब इससे ज़्यादा कैसे तोड़ूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में, एक और मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। जैसे हीटर से हमने हीट किया, रेफ्रिजरेटर से कूल कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें इंक भर लेता हूँ। चलिए, तो जैसे हमने हीट
वैसे जैसे हमने हीटर का देखा वैसे ही रेफ्रिजरेटर का देख लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो फंसे ना, उसी हर टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास है मैं। और रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट रेट ऑफ 100 वाट, 100 वाट को मार देते हैं पहले यार। देखो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, 100 वाट है, यानी वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100 वाट इंटू टाइम। वर्क ही हमें निकालना है बिकॉज एनर्जी इज वर्क, अमाउंट ऑफ हीट, समझो हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, सॉरी हाँ हाँ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय लेमन स्क्वैच। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, 100 वाट के रेट पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन वाटर, एक लेमन वाटर को ठंडा करने में कितना समय लेगा, 30 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल है, उसे 5 डिग्री सेल्सियस पे बदलना है तो कितना समय वो लेगा, हमें दे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जितना रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, किसी चीज को ठंडा करना होता है तो उसे हीट निकाल लो, प्रिंसिपल ऑफ चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है। और जितना हीट निकालो, जो हीट रिलीज करेगा वहीं से तो निकालोगे, जितनी हीट रिलीज बाई लेमन स्क्वैच, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। वर्क हमें पता चल गया, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें पता क्या, हाँ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई, अमाउंट ऑफ हीट सॉरी एब्जॉर्ब्ड बाई रेफ्रिजरेटर हमें क्या पता है, 100 इंटू टी, कितना रेफ्रिजरेटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया ये हमें पता चला। और कितना हीट लेमन स्क्वैच रिलीज कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, एक ही फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि यार इसे मैं इधर लिख दूं, इसे मैं इधर लिख दूं, कैसे कंफ्यूज अगर हो रहे हो, तो देखो यार मास आपको लेमन स्क्वैच का ही पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेमन स्क्वैच का ही दिया है, टेम्परेचर इसी का दिया है यार, रुलाओगे क्या, समझ गए ठीक है। मास कितना है इसका, 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4.2, पानी है, नींबू पानी, और टेम्परेचर 30 से 5 हो जा रहा है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बटे 100 बराबर T, समझ में आ गई बात। यहाँ से ये जीरो हटाओगे तो 5 2 जा 5 5 जा 2 2 जा 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 10, 105 सेकेंड्स लगेंगे उस रेफ्रिजरेटर को हीट को एब्जॉर्ब कर लेने में, जो हीट लेमन रिलीज करेगा, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझा रहा था कभी से पागलों की तरह, अब उसका बारी आया है उसके ऊपर क्वेश्चन करने के। एक मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा उस क्वेश्चन को करने का, जिससे आप कितना भी उसमें से टफ क्वेश्चन निकालो क्लास 10 का ICSE से, एक भी क्वेश्चन छूटने से नहीं रहेंगे। और जो क्वेश्चन ना बने कमेंट में वो क्वेश्चन डालो, हो सके तो मैं कमेंट में ही समझा दूंगा, हो सके तो मैं किसी YouTube का लिंक दे दूंगा, हो सके तो मैं खुद ही समझा दूंगा अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन आया, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई अ सब्सटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाई सब्सटेंस, क्लियर। यही चीज को हम मेथड ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं, इसी चीज को हम मेथड ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्वेश्चन एक लेते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम मेथड ऑफ मिक्सचर्स की अगली वीडियो में बात करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो को मैं बता देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं, उसके 3-4 हम क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हीट कैपेसिटी, जिसे हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, वो करेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम लेटेंट हीट मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे उसी लिए, तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।